नो एंट्री यानी नीतीश कुमार की एंट्री नहीं थी, आपने एंट्री का बोर्ड लगाया, नीतीश कुमार की एंट्री होगी। क्या है इसके सियासी मायने? सियासी थी मायने क्या, औपचारिक मुलाकात हुई है सबसे, इफ्तार था, रमजान चल रहा है, उसके मौके पे इफ्तार पार्टी हम लोगों ने देने का काम किया था। और नीतीश कुमार ही नहीं, शहनवाज जी भी आए थे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और चिराग पासवान भी आए थे, और भी दल के लोग आए थे, सारे लोगों को हम लोगों ने सम्मानित, हम लोगों ने नेता भेजने का काम किया और सारे लोगों को हमने बुलाने का काम किया यहाँ पर। लेकिन ये बातें आ रही हैं कि जब से तेज प्रताप ने नो एंट्री का बोर्ड लगाए थे, नीतीश कुमार उसके बाद से नहीं आए थे। आपने हाल के दिनों में ही ट्विटर पे एंट्री नीतीश कुमार लिखा था, उसके बाद क्या आपकी दूरदर्शिता थी ये, या आने वाले समय में एक बड़ा जो है वो राजनीतिक कदम उठने जा रहा है? ये पॉलिटिक्स है, राजनीति में उथल पुथल होते रहता है, आज हम हैं तो कल वो हैं, कल वो रहेंगे तो आज हम रहेंगे, तो ऐसा ये सब चीज उथल पुथल जो है चलता रहता है। इसमें नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का बोर्ड, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया बोर्ड, तो वो आ गए, यहाँ आ गया तो सरकार बनेगी। तो बिहार के सियासत के महाभारत के कृष्ण आप पूरी तरह से नज़र आने लगे हैं। कृष्ण ने जिस तरीके से महाभारत में अपनी रचना की थी, व्यू रचा था, इस तरह से कह सकते हैं कृष्ण हैं आप इस बिहार की सियासत के महाभारत। और कौन हो सकता है, जब ना हमने जब अर्जुन घोषित कर ही दिया है पहले, बार बार इस बात को रिपीट करने से क्या फायदा, कृष्ण है तो हैं, कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। तो सरकार बन रही है? सरकार बनाएंगे, खेल होगा, ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नीतीश जी से।